इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर को ब्रेकबोन फीवर या फिर हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पीड़ित लोगों को इतना अधिक दर्द हो सकता है जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हो। डेंगू पेशेंट में दर्द हड्डियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ब्रेकबोन फीवर भी है। डेंगू फीवर एक वायरल डिसीज़ है, मीन्स ये एक वायरस से होती है। वायरस का नाम है डेंगू वायरस। जब भी डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो हमें डेंगू हो जाएगा। ये डेंगू कैसे एंटर करेगा? ये होगा मॉस्किटो के द्वारा। मच्छर डेंगू वायरस को फैलाते हैं, तो एडिस मॉस्किटो के काटने की वजह से डेंगू वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमें डेंगू हो जाता है। मतलब जो एडिस मॉस्किटो है वो है डेंगू का वेक्टर। अब सिम्टम्स देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया हो तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डेंगू पेशेंट में? तेज़ बुखार आना, सिर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में तेज़ दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी आना, आँखों के चारों ओर या आँख के पीछे दर्द होना, उसे कहते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन, हड्डियों में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमें डेंगू पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इन सिम्टम्स को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को डेंगू है या नहीं है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडीस मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। डेंगू चार वायरसों के कारण होता है। इनके नाम है DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 हैं। इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात प्लेटलेट्स को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि अचानक ये बहुत नीचे तक गिर जाती है। बुखार को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? सबसे पहला टेस्ट होता है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। अब ये टेस्ट कब कराया जाएगा? जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ और उसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो गए। सपोज़ कोई एक तारीख ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 तारीख को उस व्यक्ति के अंदर पहला सिम्टम्स देखने को मिला, तो अगले 7 दिन के अंदर ये जो डेंगू NS1 एंटीजन है टेस्ट कराया जाता है। 7 दिन के बाद ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है डेंगू IgM एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट कब कराया जाता है? जैसे पहले मैंने बताया 3 तारीख को पहला सिम्टम्स देखने को मिला, उसके 4 दिन बाद ये जो टेस्ट है IgM एंटीबॉडी टेस्ट, ये पॉजिटिव आने लगता है। तो सिम्टम्स आने के 4 दिन बाद ये टेस्ट डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि डेंगू NS1 एंटीजन जो टेस्ट है वो सिम्टम्स आने के 7 दिन के अंदर करवाया जाता है। जैसे मान लिया 3 तारीख को सिम्टम्स आया, तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर ये टेस्ट कराया जाता है। 7 दिन के बाद इस टेस्ट को रिकमेंड नहीं किया जाता है। और दूसरा जो टेस्ट है, जो IgM एंटीबॉडी टेस्ट है, वो सिम्टम्स आने के 4 दिन बाद कराया जाता है। 4 दिन बाद ये पॉजिटिव आने लगता है, तब ये टेस्ट डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है CBC टेस्ट, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। अब डेंगू के अंदर क्या होता है, इसमें TLC डिक्रीज़ होती है या TLC घटने लगती है। TLC मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स की संख्या या WBC काउंट घटने लगती है बॉडी के अंदर। तो CBC टेस्ट के अंदर देखने को मिलता है कि वहाँ जो TLC है वो कम हो रही है। दूसरी चीज़ है, प्लेटलेट्स नॉर्मल भी मिल सकती है और घटी हुई भी मिल सकती है डेंगू के केस में। ये 2 चीज़ें CBC के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट है, हीमोक्रिट टेस्ट। ये टेस्ट क्यों कराया जाता है? कई बार क्या होता है, डेंगू फीवर जो होता है वो आगे प्रोग्रेस कर जाता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर में। तो उस कंडीशन में जो हीमोक्रिट टेस्ट होता है, जो हीमोक्रिट की जो रेंज आई है वो चेंज होने लगती है। तो जब डेंगू फीवर जब प्रोग्रेस करता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर में, तो डेंगू हीमोरेजिक फीवर के अंदर, तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये टेस्ट पहले ही कर लिया जाता है। बाई चांस अगर फीवर हीमोरेजिक फीवर के अंदर प्रोग्रेस कर गया है तब ये काम आता है। तो जो हीमोक्रिट टेस्ट है वो इसमें किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है, LFT मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट। अब डेंगू किसी पेशेंट को है तो उसके अंदर लीवर इंजरी होती है, तो वहाँ उस केस में LFT कराया जाता है, क्योंकि LFT टेस्ट के अंदर आपको SGPT और SGOT लेवल के अंदर हमें चेंज देखने को मिलता है डेंगू पेशेंट के अंदर। ये दोनों लेवल बढ़े हुए मिलते हैं। ये सारे टेस्ट हैं, इनके जरिए डायग्नोसिस किया जाता है डेंगू का। डेंगू वायरस से संक्रमित होने के 4 या 7 दिनों के बाद लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। डेंगू वायरस के खून में फैलने के 1 घंटे में ही जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है और व्यक्ति को 104 डिग्री तक बुखार भी आ सकता है।
ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना और हृदय गति का कम होना, आँखों का लाल होना और दर्द होना, चेहरे पर गुलाबी दाने दिखना डेंगू का सूचक है। खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना, भूख ना लगना, सिर दर्द होना, ठंड लगना, बुखार आना, इन चीज़ों के साथ डेंगू की शुरुआत होती है। यह सभी लक्षण डेंगू के पहले चरण में होते हैं। यह 4 दिन तक चल सकते हैं। डेंगू के दूसरे चरण में बढ़ा हुआ शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है और पसीना आने लगता है। इस समय बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होकर रोगी बेहतर महसूस करने लगता है, लेकिन यह 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। डेंगू के तीसरे चरण में शरीर का टेम्परेचर पहले से और अधिक बढ़ने लगता है और पूरे बॉडी में लाल दाने दिखने लगते हैं। यदि दूसरी बार डेंगू हुआ है तो ज़्यादा खतरा है। जिन्हें पहली बार डेंगू होता है उन्हें उतना खतरा नहीं होता। खतरा उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें यह बुखार पहले भी हो चुका है। डेंगू हड्डियों को खोखला और कमज़ोर करता है। दूसरी बार होने पर यह बुखार अधिक घातक साबित हो सकता है। डेंगू में इन 3 तरह के बुखार से जान को खतरा होता है। पहला है हल्का डेंगू बुखार। इसके लक्षण मच्छर के काटने के करीब 1 हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं। यह बेहद घातक होता है। दूसरा है डेंगू रक्तस्रावी बुखार। इसके लक्षण हल्के होते हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में गंभीर हो सकते हैं। तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। यह डेंगू का एक गंभीर रूप है। यह मौत का कारण भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट्स की। क्या इसकी ट्रीटमेंट है? अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है, देखिए 90-95% डेंगू अपने आप ठीक हो जाता है 2 हफ्ते के अंदर। जो 5 या 10% केस होते हैं उनके अंदर ठीक नहीं होता है। अब देखते हैं क्या ट्रीटमेंट्स हैं इसके। पहला है, मैंने बताया 90-95% केस में अपने आप ठीक हो जाता है। अब डेंगू जिसको भी होता है उसको फीवर होता है तो उस डेंगू पेशेंट को पैरासीटामोल दी जाती है 500 mg जब भी उसको फीवर होता है। हर 6 घंटे की इंटरवल पर ये दी जा सकती है। और बच्चों के अंदर इसके मतलब पैरासीटामोल के डोज की बात करें तो 10 mg पर kg पर डोज के हिसाब से कैलकुलेट करके बच्चे को डेंगू फीवर हुआ हो तो जब भी फीवर आए तब दिया जाता है। फीवर उतारने के लिए PCM देना ही पड़ेगा। सेकंड होता है ORS। डेंगू पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है तो उसे ORS दिया जाता है। मीन्स जितना ज़्यादा लिक्विड दिया जाए उतना अच्छा रहता है। फ्रूट जूस या नींबू पानी दे सकते हैं ताकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं नॉर्मली डेंगू के अंदर और 2 वीक्स के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाता है। डेंगू के मरीज को सादा पानी, नींबू पानी, दूध, लस्सी, छाछ और नारियल पानी देना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। ध्यान रखें कि मरीज के शरीर में हर दिन 4 से 5 लीटर लिक्विड जरूर जाना चाहिए। हर 1 से 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते रहें। मरीज के यूरिन की स्थिति पर ध्यान दें। अगर पेशेंट हर 3 से 4 घंटे में एक बार पेशाब जा रहा है तो मतलब खतरे की बात नहीं है। यदि पेशाब की मात्रा या फ्रीक्वेंसी कम है तो मरीज को तुरंत लिक्विड डाइट पर ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से बात करनी चाहिए। 5 से 10% केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर डेंगू अपने आप ठीक नहीं होता है तो उस केस में डॉक्टर इलाज करते हैं, जैसे IV फ्लूइड्स देते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो किए जाते हैं डेंगू के केस में। अब देखते हैं कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए डेंगू के अंदर। मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि जो डेंगू है वो एक वायरल डिसीज़ है, वायरस से होती है। तो वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है डेंगू के अंदर। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है और आप उसे एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिसीज़ के केस में दी जाती है और डेंगू एक वायरल डिसीज़ है तो कोई असर नहीं करेगी एंटीबायोटिक। स्टेरॉयड और पेन किलर भी नहीं दिए जाते हैं डेंगू के केस में, केवल पैरासीटामोल ही दी जाती है। इसमें एनाल्जेसिक व एंटीबायोटिक दोनों ही गुण होते हैं जो बुखार भी उतारती है व पेन को भी ठीक करती है। पेन किलर के जगह उसे PCM ही दी जाती है। पेन किलर क्यों नहीं दी जाती है? पेन किलर इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि पेन किलर में जैसे ब्रूफेन है, ये प्लेटलेट्स घटा देती है। डेंगू के केस में ऑलरेडी प्लेटलेट्स घट जाती है या घटने के चांसेस होते हैं तो इसलिए पेन किलर या कोई स्टेरॉइड्स नहीं दी जाती है।